iVOOMi V5 भारतीय बाजारों में लॉन्च हो गया है 3,499 रुपए में, जो कि शटर प्रूफ डिस्प्ले की गारंटी देता है। 1 GB 8 GB के कॉम्बिनेशंस में आता है और 5 MP का कैमरा है। फ़ोन में कुछ ज़्यादा खास नहीं और जियो ऑफर के तहत 2200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो सारी जानकारी देखते हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब करिए भैजी टेक्निकल को ऐसे क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। फ़ोन को आप एक्सक्लूसिव ले सकते हैं, स्नैपडील के ऊपर आपको मिल जाएगा। 3,499 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। इसके ऊपर 10% एक्सिस बैंक का डिस्काउंट है, HDFC की तरफ है, HSBC और भी तमाम डिस्काउंट है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कार्ड के थ्रू कौन कौन से, और जियो फुटबॉल ऑफर जो है आपको मिलेगा, उसके लिए भी आपको कुछ इसके स्पेसिफिक प्लान्स खरीदने होंगे जियो के। तो यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं फ़ोन को लेने के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फ़ोन के बारे में जानते हैं, क्योंकि सस्ता सा फ़ोन है आपको, और इसमें देख लेते हैं कि स्टर्निंग डिस्प्ले टू बीट ऐसा कहा गया कंपनी, क्योंकि इसमें 5 इंच की स्क्रीन है। हालांकि डिस्प्ले जो है 480x844 यानी कि फुल VGA का डिस्प्ले है, वो है 720 की नहीं है, लेकिन इस प्राइस में 3,500 रुपये में हम इसको कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। 1 GB रैम के साथ में 8 GB की रोम आती है इसके अंदर, लेकिन जो एंड्रॉयड गो है वो नहीं डाला गया है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इतने कम स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन में एंड्रॉयड गो डाल देते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं है। तो 1 GB रैम और 8 GB रोम के साथ में आएगा, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो स्पेक्ट्रम का 1.2 GHz है, जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं माना जाता। कैमरे की बात कर लें तो फ्रंट में 5 MP और रियर में 5 MP और फ्लैशलाइट के साथ में आता है कैमरा। नेविगेशन स्कीज दी गई है, ऑन स्क्रीन नहीं है, और इसके अंदर ज़्यादा सेंसर्स वगैरह नहीं है। नॉमिनल इसमें लाइट एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दिए गए हैं। बैटरी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है, 2800 mAh की बैटरी इतने कम प्राइस रेंज में भी आपको मिल जाती है, जो कि आपको आराम से एक दिन निकाल देगी, क्योंकि इसके पिक्सल रेजोल्यूशन काफ़ी कम है। और इसमें एंड्रॉयड 7.0 आपको मिल जाएगा, एक स्मूथ एक्सपीरियंसेस के लिए, तो आपको लगेगा नहीं कि कोई पुराना है। तो अगर आप किसी को देना चाहते हो तो अपने ब्लैक और शैम्पेन गोल्ड इस तरह से कलर में आप चूज़ करके दे सकते हैं। फ़ोन के ज़्यादा जानकारी हमको वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो शटर प्रूफ है। तो एक अच्छी बात है कि सस्ता फ़ोन है, अगर पटक विटक भी दिया किसी ने तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो ये बढ़िया है। हालांकि ज़्यादा मेमोरी या ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता है, फिर भी फ़ोन बढ़िया काम करेगा आपको एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए। तो हैंडसेट मिलेगा आपको, बॉक्स के अंदर एडेप्टर मिल जाएगा जो कि नॉमिनल है, 1 ampere वाला, USB केबल, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड मिल जाएगी जो कि 12 महीने की दी गई है इसके ऊपर। और फ़ोन में जो भी नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कैमरे वगैरह भी ठीक ठाक ही है, इस प्राइस में हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल मेमोरी मुझे पसंद आई है, वो है 128 GB तक, और 4G गोल्ड के जियो सिम लगा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बस ये सारी चीज़ें हैं, फ़ोन आप देख सकते हैं, और आपको कोई कम बजट में फ़ोन चाहिए तो आप इसको लेके एक ट्राई दे सकते हैं। iVOOMi बहुत ही प्रचलित ब्रांड होते जा रहा है धीमे धीमे, क्योंकि पिछले एक साल से ये मार्केट में छाया हुआ है। भाई जी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।